Hello everyone, welcome to Shom's IAS. I'm Shivangi Sharma and here I'm with third chapter of class 9th history. So name of the chapter is Nazism and the Rise of Hitler. So okay, this chapter is gonna be important and interesting as well because Hitler ke bare mein aap logon ne suna hi hoga. Of course aapne suna hoga that Hitler kaise the Hitler. So hum wahi yahan par is video mein bahut hi अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि हिटलर की नाज़िज़्म क्या था और हिटलर का राइज कैसे हुआ और हिटलर ने आगे आगे क्या करा. ठीक है, सो 1945 का स्प्रिंग सीज़न चल रहा था. ठीक है, तब एक 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय था जिसका नाम था हेलमुट. सो हेलमुट अपने बेड पे लेटा हुआ था और उसने अपने पेरेंट्स की बातों को ओवर हीयर किया. ओवर हीयर किया मतलब सुना, चुपके से सुना. ही वॉज नॉट इन द कन्वर्सेशन, उसने पीछे से सुना. उसके पेरेंट्स काफ़ी सीरियस टोन में कुछ बात कर रहे थे. तो उसके फादर जो कि एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे, वो अपनी वाइफ से यानी कि हेलमुट की मदर से बात कर रही हैं कि अब टाइम आ गया है कि मतलब कि वो बेसिकली ये बोलते हैं कि क्या मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए या मतलब क्या मुझे अकेले सुसाइड करना चाहिए या हमें पूरे फैमिली को साथ में लेके मरना चाहिए. सो उसके फादर बोल रहे हैं कि उसके फादर के दिल में एक डर है, रिवेंज का, एक बदले का डर है. वो बोल रहे हैं कि जो एलाइज हैं, जो एलाइज पावर है, अब वो भी वही करेंगे जो उन लोगों ने क्रिपल्ड होते हैं, जो भी जो लोग बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हैं, जैसे डिसेबल्ड लोग जो होते हैं, डिसेबल्ड लोग को हम बोलते हैं क्रिपल्ड. ठीक है, डिसेबल्ड फिजिकली या मेंटली. ठीक है, एंड जीव्स और क्रिपल्ड के साथ उन्होंने जो किया वही अब उनके साथ होने वाला है. सो यहाँ पे एक वर्ड है अलाइज. व्हाट आर अलाइज? अलाइज में कुछ कुछ कंट्रीज आती हैं. ठीक है, मेन कंट्रीज दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसए एंड रशिया. ठीक है, दीज आर द मेन कंट्री जो अलाइज के अंदर आती है. उसके अलावा इन सारी कंट्रीज़ की जो भी जो भी कलोनीज थी, जैसे इस टाइम पे यूके की जो कलोनी थी, इंडिया मतलब इंडिया अलाइज की तरफ से लड़ाई कर रही थी बिकॉज इंडिया यूके के अंडर आता था. ठीक है, इंडिया का यूके मतलब इंडिया पे राज कर रहा था उस टाइम पे. सो जो वॉर इंडिया ने लड़ी वो यूके की तरफ से लड़ी थी. ठीक है, सो अगले ही दिन हेलमुट के फादर उनको वुड्स में ले जाते हैं, वुड्स यानी कि जंगल में और ऐसी जगहों पर ले जाते हैं मतलब. और वो काफ़ी मतलब अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ. वो मतलब खुशी का टाइम स्पेंड करते हैं, अपना लास्ट खुशी का टाइम. वो ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग्स गाते हैं और वो काफ़ी मज़े करते हैं उस दिन. ठीक है, बाद में उसे पता चलता है कि हेलमुट के फादर ने खुद को शॉट कर दिया है, खुद को गोली मार दी है अपने ही ऑफिस पे. ठीक है, सो हेलमुट ने अपने फादर की जो ब्लडी यूनिफॉर्म थी यानी कि उस यूनिफॉर्म में जो भी खून लगा हुआ था वैसी यूनिफॉर्म उन्होंने फैमिली फायरप्लेस में जलती हुई देखी. सो फैमिली फायरप्लेस क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा. और जैसे जो भी ठंडी जगहें होती हैं यानी कि जो भी ठंडी कंट्रीज होती हैं, वहाँ पर ना घरों के अंदर एक वॉल पे एक फायर प्लेस बना होता है जहाँ पर आग जलाई जाती है. ठीक है, सपोज दिस इज़ अ वॉल एंड दिस इज़ अ फायर प्लेस और यह ऊपर चिमनी से जुड़ता है. ठीक है, सो आप लोग आई थिंक आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आप लोगों ने इमेजिन कर लिया होगा कि किस इसके बारे में आप बात हो रही है. सो उसी फायर प्लेस में उसके फादर की जो यूनिफॉर्म है उसको जलाया गया था. इतना ट्रॉमेटाइज हो गया था हेलमुट ये सारी चीज़ें देख के. वो मतलब जो उसने बातें सुनी थी उसके बाद ये जो भी चीज़ें हुई इसके बाद वो इतना ट्रॉमेटाइज हो गया था कि उसने 9 ईयर्स तक अपने घर पे खाना नहीं खाया इस डर से कि उसकी मदर उसके फूड में जहर डाल देगी और वो मर जाएगा. ठीक है, इस डर से उसने 9 साल तक खाना नहीं खाया. ठीक है, ऑल्दो हेलमुट को शायद पता नहीं था कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उसके फादर जो थे वो नाजी से बिलोंग करते थे, वो एक नाजी थे और वो एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे, वो एडोल्फ हिटलर को सपोर्ट करते थे. ठीक है, सो यहीं पे ये बोल रहा है कि आपको पता होगा कि हिटलर जर्मनी को एक बहुत ही माइटी पावर बनाना चाहता था, एक बहुत ही बड़ी पावर बनाना चाहता था और पूरे यूरोप को कंक्यूर करना चाहता था. ठीक है, मतलब पूरे यूरोप को अपने अंडर करना चाहता था. बट आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो हिटलर थे वो ज्यूस से बहुत नफरत करते थे और उन्होंने काफ़ी ज्यूस को मारा था. ठीक है, मतलब नाज़िज़्म एक या दो आइसोलेटेड एक्ट नहीं था, ये पूरा सिस्टम था. ठीक है,
ये पूरे वर्ल्ड और पॉलिटिक्स का एक स्ट्रक्चर था, आइडियाज़ का एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। सो यही हम पढ़ने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि किस डर से हेलमेट के फादर ने सुसाइड करा। मई 1945 में जर्मनी ने खुद को सरेंडर कर दिया अलाइज को। अलाइज कौन होता है? अभी मैंने बताया था, अलाइज पावर है जो कि यूके, फ्रांस, यूएसए और ऐसी कंट्रीज को मिला के बनी है, ठीक है। सो मई 1945 में, मई 1945, सो ये वर्ल्ड वॉर 2 के एंड एंड का टाइम है लगभग, ठीक है। अलाइज ने सरेंडर कर दिया, ठीक है, मतलब जर्मनी ने खुद को सरेंडर कर दिया अलाइज पे। और किसी को नहीं पता था कि हिटलर जैसा एक कोई आने वाला है और उसका जो भी प्रोपेगेंडा होने वाला है, मिस्टर गोबल, मतलब हिटलर और उनके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे गोबल्स, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मिलके अप्रैल में एक बर्लिन के एक बंकर में सुसाइड कर लिया, ठीक है। मतलब जब ये सब कुछ हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में, जब जर्मनी ने खुद का वो किया, तो ठीक है हिटलर ने सुसाइड कर लिया। हिटलर को हजम नहीं हुई ये चीज़। सो बंकर क्या होता है? हियर इज अ न्यू वर्ड, बंकर। सो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे इतने अटैक्स हो रहे थे कि लोग जमीन के नीचे अपने घर बनाने लग गए थे, बिकॉज एयरफोर्स बहुत ही ऐसे ओपन बॉम्बिंग वगैरह कर रही थी जगहों पे, ओपन फायरिंग भी हो रही थी, तो लोगों ने जमीन के अंदर अपना घर बनाना शुरू हो गया। दैट वॉज अ बंकर, ठीक है। सो हिटलर और गोबल्स ने, जो हिटलर और गोबल्स की फैमिली ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था, ठीक है। सो एंड ऑफ द वॉर, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेट हुआ न्यूरमबर्ग में, ठीक है, जिसमें सारे जो भी नाजीज थे, ऑल दैट नाजीज को मारा जा रहा था, उनको क्रिमिनल्स घोषित कर दिया गया था, बिकॉज उन्होंने कुछ क्राइम्स करे थे, ठीक है। नाजीज की यहाँ पे बात हो रही है, जब हिटलर और गोबल्स ने सुसाइड कर लिया उस टाइम की बात हो रही है कि नाजी के वो क्रिमिनल घोषित कर दिया गया, बिकॉज उन्होंने कुछ क्राइम्स किए थे, कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल्स वो लोग बन गए थे, बिकॉज उन्होंने किया था क्राइम अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर क्राइम्स, और सबसे बड़ा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। उन्होंने पीस का क्राइम तोड़ा, उन लोगों ने लड़ाई करी, और ह्यूमैनिटी यानी कि जो इंसानियत होती है, एक इंसानियत हर आदमी के अंदर होती है, वो भी उन्होंने, उसका भी उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और उसके खिलाफ़ उन्होंने लड़ाई करी। सो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि उन्होंने इंसानियत भी ख़त्म कर दी, ये आपको पूरा चैप्टर जब आप पढ़ लोगे तब आपको धीरे 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 सारी चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। हाँ, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो कि सबसे सीरियस था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में क्वेश्चन अराइज हो गया मोरालिटी और एथिकल्स पे। मोरालिटी और एथिकल्स क्या होता है? आई होप आप लोगों को पता होगा। मोरालिटी मतलब जो भी नैतिक शिक्षा होती है, जो भी आपको सिखाए जाते हैं शुरू से, एथिकल्स आर योर एटिक्वेट्स एंड योर ऑल दैट, ठीक है। सो ऐसे एक्ट्स क्या किए गए कि पूरी वर्ल्ड में इन बेसिक चीज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शेडो में जर्मनी ने जेनोसाइडल वॉर शुरू कर दी थी, ठीक है। सो जेनोसाइडल क्या होता है? बहुत ही लार्ज स्केल में लोगों को मारना, ठीक है, इतने लार्ज स्केल में लोगों को मारना कि डिस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, इन द डिस्ट्रक्शन स्केल। सो जेनोसाइडल वॉर करी जर्मनी ने, ठीक है, जिसका रिजल्ट में आया कि काफ़ी जो बहुत ही इनोसेंट्स यूरोप से, जिनकी कोई गलती ही नहीं थी, उनको मारा गया, मास मर्डर किया गया, मास रेशो में लोगों को मारा गया, ठीक है। जिस नंबर में लोगों को मारा गया वो कम नहीं था, ठीक है। 6 मिलियन ज्यूज वर किल्ड, 6 मिलियन ज्यूज, अराउंड 2 लाख जिप्सीज वर किल्ड, और 1 मिलियन पोलिश सिविलाइजेशन एंड 7,000 जर्मन। सो ये बहुत ही ज़्यादा रेशो जा रहा है आगे, ठीक है, जो कि मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड थे। जिन 70,000 जर्मन को जिनको मारा गया वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड थे, यानी कि क्रिपल थे, ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्कस करा था। सो नाजीज इतने ज़्यादा रेशों में लोगों को मार रहे थे, और इतने अलग अलग तरीक़ों से मार रहे थे, उन्होंने इतनी ही मतलब बिल्कुल ही निर्दय तरीके से वो लोगों को मार रहे थे, ठीक है, गैसिंग करके। व्हाट वाज गैसिंग? हियर द वर्ड गैसिंग, मतलब उनको
पॉइजनस गैस वाले चैम्बर्स में भेज दिया जा रहा था, और वो मतलब वहाँ पे घुट घुट के मरते थे। जस्ट इमेजिन कितना भयानक रहा होगा उन लोगों के लिए। सो ऐसे जो काफ़ी किलिंग सेंटर्स थे उनमें से एक था ऑशवेट्स, ठीक है, जो न्यूरनबर्ग ट्रिब्यूनल था। उसमें सिर्फ 11 नाजीज़ को ही डेथ की सेंटेंस दी गई, 11 नाजीज़ को, बाकियों को मतलब उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। भले ही उनको सज़ा मिली, बट दिस वॉज नॉट इक्वल टू जो जो ब्रूटैलिटी और जो भी क्राइम्स उन लोगों ने करे थे, नाजीज़ ने करे थे ज्यूज़ और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ, ये इसके बिल्कुल भी इक्वल नहीं था। इतना मतलब अब ये सारी चीज़ें होने के बाद भी मतलब इतना सब कुछ कर रही थी, बट एलाइज जो थे, जो ये अब नाजीज को मतलब पनिश कर रहे थे, एलाइज इतने हार्श नहीं होना चाहते थे जर्मनी में जितना वो पहले हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि उनको डर था कि कहीं एक और कोई हिटलर जैसा ना आ जाए जो फिर से नाजी जर्मनी को मतलब बढ़ा दे, ठीक है। सो दिस वॉज सो क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ऐसा क्या एक्सपीरियंस था जर्मनी का, सो वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। द बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक। जर्मनी एक काफ़ी पावरफुल एम्पायर था, ठीक है, 20th सेंचुरी में। सो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से लेके 1918 के बीच में, ठीक है। सो जर्मनी ने लड़ाई लड़ी, उन जो एक साइड पे थे जर्मनी एंड ऑस्ट्रियन एम्पायर, ठीक है, ऑस्ट्रियन एम्पायर था, और दूसरी साइड पे था इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, ठीक है, एक साइड दिस एंड वन साइड दिस, ठीक है। सो बहुत दोनों साइड्स को ये लग रहा था कि वॉर काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बहुत क्विक विक्ट्री मिलेगी और हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होंगे। बट ये वॉर 4 साल तक चली और ये काफ़ी यूरोप के रिसोर्सेज बर्बाद हो चुके थे। जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को एक्वायर कर लिया था, ठीक है, एलाइज हार सकती थी उस टाइम पे, बट 1917 में जब ख़त्म होने वाली थी वर्ल्ड वॉर, तब यूएस ने एंट्री करी अपना फुल, अपने उसके साथ की, ठीक है, अब तो यूएस आ गया है, और जो एलाइज थे वो जीत गए और जर्मनी हार गई, ठीक है, जर्मनी और जो सेंट्रल पावर्स थे वो हार गए नवंबर 1918 में, ठीक है, नवंबर 1918 में। ये जो डिफीट हुई थी जर्मनी की, इसमें क्या हुआ, जो भी एम्परर थे उन्होंने एबडिकेट कर लिया, यानी कि अपना अपना जो उनका जो गद्दी थी उसको उन्होंने छोड़ दिया, और उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जो भी पार्लियामेंट्री पार्टीज थी कि वो जर्मनी की जो पॉलिटी है उसको फिर से रिकास्ट कर सके, ठीक है, जो पॉलिटिक्स है। सो एक नेशनल असेंबली मिली वीमार में, और उन्होंने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करने का मतलब प्लान बनाया विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। सो जो भी डिप्यूटीज थे उनको इलेक्ट किया गया, और जो जर्मन पार्लियामेंट था जो कि रिचस्टैग में था, ठीक है, इक्वल वोट सब सभी दे सकते थे, सभी इलेक्ट करने वाले थे, ठीक है, अपने लोगों जिनको वो चाहते थे। सो इलेक्शन सारे एडल्ट दे सकते थे इंक्लूडिंग वुमेन्स। जो रिपब्लिक था वो बेसिकली इतना मतलब अपने ही लोगों से इतना खुश नहीं था, ठीक है, बिकॉज लोग ये मान रहे थे कि जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंड का कारण यही है। और एक पीस ट्रीटी साइन हुई वर्सली में, ठीक है, ये वर्सली में जो पी अलाइज के साथ जो पीस ट्रीटी साइन हुई ये बहुत ही हार्श थी और ये पीस को ह्यूमिलेट करने वाली थी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या क्या हो गया जर्मनी के साथ इस पीस ट्रीटी में। जर्मनी अपनी 10% पॉपुलेशन खो चुका था, अपनी 13% टेरिटरी खो चुका था, 75% आयरन खो चुका था, 26% कोल मतलब खो चुका था। लुक एट द परसेंटेज, कितना ज़्यादा ज़्यादा परसेंटेज है ये। और ये जो है ये लोग ये चीज़ें गई थी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुएनिया के पास। सो अलाइड पावर ने डिमिलिटराइज कर दिया, यानी कि जर्मनी की जो मिलिट्री थी वो भी उनसे छीन ली गई, और वॉर गिल्ट का कोर्स जर्मनी को दे दिया गया। मतलब जर्मनी को बोल दी गई कि जर्मनी की वजह से वॉर हुई, और वॉर का जो एकमात्र रीज़न है दैट इज जर्मनी, ठीक है। और ये भी बोला गया जर्मनी को कि लड़ाई भी तुमने करी है, वॉर का रीज़न तुम हो। सो इतना जो हमने सफ़र किया है, अलीट कंट्रीज़ ने ऐसा बोला कि हमने जो भी सफ़र किया है
जो भी हमारा ये लॉस हुआ है इसको कौन भर पाएगा, तुम्हें भर पाओगे तुम्हें दो सारे कंपनसेशन। सो उस टाइम पे 6 बिलियन यूरोस, ये सही यूरोस का, ठीक है, 6 बिलियन यूरोस तब जर्मनी को फोर्स करके दे, मतलब ज़बरदस्ती देना पड़ गया था ऑफकोर्स। और अलाइड आर्मीज ने रीनलैंड जो इतना मतलब रिसोर्स रिच जगह थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया, और ज़्यादातर जर्मन्स वीमर रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल मार रहे थे डिफीट के अभी, और ये जो भी ये वर्सलीज की ट्रीटी की वजह से जो भी उन्हें डिस्ग्रेस फेस करना पड़ रहा था उसका भी। द इफेक्ट ऑफ वॉर्स, देखो बहुत ही ज़्यादा बुरा और बहुत ही ज़्यादा डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट आया था पूरे कॉन्टिनेंट में, बिकॉज कॉन्टिनेंट में ही लड़ाई हुई थी, सिर्फ साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशली भी। बिकॉज देखो ये वो कॉन्टिनेंट था जो क्रेडिटर था, क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर वो आदमी होता है जो लोन देता है, ठीक है, जो लोन देता है, अब वो डेटर्स बन चुके थे। अब डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स वो होते हैं जो लोन लेते हैं, ठीक है। सो एक कंट्री जो दूसरी एक कॉन्टिनेंट जो दूसरी कंट्रीज को लोन दिया करता था किसी टाइम पे, अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वही लोन ले रहे हैं दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। सो मतलब जो अभी अभी वीमर रिपब्लिक बना था उन्हें उसको जो ओल्ड एम्पायर के पाप थे वो मतलब पूरे करने पड़ रहे थे, पाप धोने पड़ रहे थे। तो रिपब्लिक मतलब वॉर गिल्ट का बर्डन भी आ गया था, इतनी ह्यूमिलेशन भी हो रही थी। सो फाइनेंशियली तो जर्मनी को पूरे बहुत ही बुरे तरीके से क्रिपल कर दिया गया था, ठीक है। और जो भी ये इस मतलब वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहा था, जो भी वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहा था, ये बेसिकली कुछ लोग थे जैसे सोशलिस्ट, कैथलिक्स और डेमोक्रेट्स। सो ये ना बहुत ही इजी टारगेट बन गए थे कंजर्वेटिव्स का, सारे कंजर्वेटिव्स और मतलब नेशनलिस्ट जो सर्कल्स थे वो सारे आके इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स बोल रहे थे, बिकॉज जो पीस ट्रीटी थी वो नवंबर में साइन हुई थी। सो इन्हें नवंबर क्रिमिनल बोला जा रहा था, और इनका जो माइंडसेट था इनका काफ़ी मेजर इम्पैक्ट पड़ा था अर्ली 1930s के पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, सो जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका बहुत ही डीप इम्प्रिंट हुआ है, बहुत ही डीप छाप पड़ी थी यूरोपियन सोसाइटी पे और पॉलिटी पे भी, ठीक है। जो सोल्जर्स थे, जो भी सिपाही थे, उनको सिटीजन्स के अबव माना जाने लगा, पॉलिटिशियंस को सारे मतलब जो भी पॉलिटिशियंस और जो भी पब्लिसिस्ट थे उन पर काफ़ी स्ट्रेस आ गया, कि मतलब वो स्ट्रेस इस बात पे डाल रहे थे कि जो मेन है उसे अग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है, और उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मस्कुलिन होना चाहिए, ठीक है। और मीडिया ने ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाई करी, ट्रेंच लाइफ वॉज गड्ढों में रहना, मतलब जैसे जो शोल्डर्स उस टाइम गड्ढे खोद के रह रहे थे बिकॉज अटैक्स इतने ज़्यादा हो रहे थे, तो उधर पर उन्हें उनकी जो लाश थी, ठीक है, जो ट्रेंचेस में वो रह रहे थे अगर उन पर अटैक हो जाए और उनकी जो लाश थी वो मिलती भी नहीं थी, उनको चूहे कुतर जाते थे, ऐसी सिचुएशन थी। उनको पॉइजनस गैस फेस करनी पड़ती थी, उनको एनिमी शेलिंग फेस करनी पड़ती थी, और उन्होंने देखा कि उनका रैंक्स कैसे हट रहा है, बट फिर भी ये चीज़ तो ऐसी दिखाई गई कि ओ दिस इज़ वेरी लाइक इतना अच्छा है ये सब कुछ, इसमें तो कुछ कमी ही नहीं है, इतने अच्छे तरीके से ग्लोरीफाई किया गया, ठीक है, इस चीज़ को। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, सो वीमर रिपब्लिक का बर्थ हो चुका था, बट जैसे रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था उसी तरीके से जर्मनी में एक स्पार्टसिस्ट लीग का अपराइज हो चुका था, जो भी रेवोल्यूशन ही चाह रहे थे, ठीक है। जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था बर्लिन का वो चेंज हो गया था, और सारे बोल रहे थे कि हमें सोवियत स्टाइल गवर्नेंस चाहिए, इस चीज़ की डिमांड आ रही थी, बट इसका अपोज किया सोशलिस्ट डेमोक्रेट और कैथोलिक्स जैसे लोग ने, जो कि फिर से वीमर रिपब्लिक में मिले और उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को शेप करना का मतलब सोचा कि ऑफकोर्स उसको शेप तो हमें देनी पड़ेगी। सो वीमर रिपब्लिक ने ये जो भी अपराइजिंग हो रही थी सारे वॉर वेटरन्स का, इनको क्रश कर दिया फ्री कॉप्स की मदद से, ठीक है। और जो भी ये स्पार्टसिस थे ये बाद में कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने बना दी जर्मनी में, ठीक है। सो जो कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्ट थे ये काफ़ी मतलब इरिकन्सिबल हो गए, ये सारे एनिमीज बन गए, ठीक है, जो कम्युनिस्ट थे और जो सोशलिस्ट थे वो एनिमीज बन चुके थे। और मतलब
हिटलर के अगेंस्ट थे बेसिकली, ये कॉमन चीज़ थी कि हिटलर के अगेंस्ट थे रॉयली, ठीक है। सो जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था उससे सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया 1932 का, बल्कि जर्मनी ने जो भी लड़ाई लड़ी थी वो लोन्स के बेसिस पे ही लड़ी थी, बट अब जब उन्हें रीपे करना था लोन्स तो उन्हें गोल्ड ही देना पड़ रहा था और उनका गोल्ड रिजर्व जो है वो बहुत बुरी तरीके से ख़त्म होता जा रहा था। जिस टाइम पे रिसोर्स स्केयर हो रहे थे, सो 1923 में जर्मनी ने पे करने से रिफ्यूज़ कर लिया और फ्रांस ने काफ़ी जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था रू का, ठीक है, वो उन्होंने ले लिया और कोल को क्लेम करने वो लोग लग गए। सो जर्मनी ने डिटेल करा कि पैसे चाहिए तुम लोगों को, लो तुमने जितने पैसे लेने हैं तुम ले जाओ। जर्मनी ने रेकलेसली बिना किसी रोक के बहुत सारे नोट छापना उन्होंने शुरू कर दिया। जब इतना नोट छापा जा रहा था तो ऑफकोर्स जर्मन मार्क की जो वैल्यू है वो गिर गई, जर्मन मार्क की वैल्यू गिर गई, ठीक है। उस टाइम पे एक मार्क की वैल्यू वन मार्क, अप्रैल में वन मार्क की वैल्यू हो गई थी 1, अगर हमें एक डॉलर से एक्सचेंज करना है US डॉलर से, तो वन मार्क हमें 24,000 रुपीज़ पड़ रहा था, रुपीज़ नहीं मार्क पड़ रहा था। सोचो एक डॉलर का रेट उस टाइम पे 24,000 मार्क हो चुका था। जुलाई में ये सेम रेट जो है ये 3,53,000 में पहुंच गया और अगस्त आते आते ये सेम चीज़ 46,21,000 मार्क्स में पहुंच गया था। और जैसे जैसे दिसंबर आया उस टाइम पे तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गई, ठीक है। उस टाइम पे जो रेट इनका हो गया था डेट वो 9,88,60,000 बाय दिसंबर, ठीक है। बाद में ये चीज़ ट्रिलियंस तक पहुंच गई थी। इतनी जब वैल्यू गिर गई तो उस टाइम पे लोग ब्रेड्स को लेने के लिए कंट्री के मतलब बोरियों में भर के पैसे ले जाते थे। और ऐसी जो सिचुएशन होती है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इतना सारा नोट ये लोग छाप रहे हैं और वैल्यू कम हो रही है करेंसी की, इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में जो प्राइस मतलब चीज़ों का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवेंचुअली अमेरिका, वही अमेरिका जिसने वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी के खिलाफ गया था, वही अमेरिका ने सोचा कि यार ये सही नहीं हो रहा है और उन्होंने डॉस प्लान बनाया जर्मनी के लिए। और जर्मनी को वो थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे थे ताकि वो मतलब थोड़ा सा रिप्रेशन कर सके। चलो मतलब उनका इतना फाइनेंशियल बर्डन बन गया था जर्मन्स के ऊपर, तो चलो थोड़ा सा तो उनको ईज मिलनी चाहिए। फिर आता है द ईयर ऑफ डिप्रेशन। सो ये जो टाइम था 1924 से लेके 28 तक, मतलब 1924 से लेके 1928 तक, यानी कि 4 साल। उस टाइम तक यूरोप में थोड़ी स्टेबिलिटी आ चुकी थी, जर्मनी में थोड़ी स्टेबिलिटी आ चुकी थी। सो जर्मनी ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना शुरू कर दी थी, इंडस्ट्रियल रिकवरी करना शुरू कर दिया था, शॉर्ट टर्म्स लोन वो लोग ले रहे थे, ठीक है, बेसिकली यूएसए से ही। बट तब सडनली जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है यूएसए का वो गिर जाता है 1929 में। और जब इतना पैसा गिरने लगता है तो जर्मनी के लोग अपने सारे शेयर्स बेच देते हैं, ठीक है, और इसी को ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का स्टार्ट बोल दिया गया था। 3 सालों में जो नेशनल इनकम है यूएसए की वो हाफ हो चुकी थी और इसकी वजह से ऑफकोर्स यूएसए की इकोनॉमी गिरी, तो पूरे दुनिया में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था इस चीज़ का। जर्मन इकोनॉमी है ऑफकोर्स उसको भी फ़र्क पड़ा, बिकॉज जो थोड़ी बहुत सुधार आया था वो इसी की वजह से आया था। और जब ये सब कुछ हो गया तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 40% तक रिड्यूस हो गया। 1929 का जो लेवल था उसे 40% तक गिर गया। लोगों जो वर्कर्स थे उनकी जॉब छूट गई, लोगों को उनकी वेजेस कम हो गई और काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और काफ़ी सारे लोग जो थे वो घर पे बैठ गए स्ट्रीट्स में। और मतलब जब इतना सब कुछ होने लगा तो यूथ ने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हाथ लगाना शुरू कर दिया, वो लोग चोरी चकारी में पड़ गए ज़्यादा और ये सारा मतलब बहुत कॉमन हो गया था उस टाइम पे। लोगों को बहुत डर लग रहा था, स्पेशली द मिडिल क्लास, जो जिनको जो कि सैलरी एम्प्लॉयज़ थे और जो पेंशनर्स थे। अब
जब इतनी करेंसी लॉस हो रही थी वैल्यू में, तो ऑफ कोर्स अब उन्हें पता चल रहा था कि उनकी सेविंग्स जो है वो डिमिनिश हो रही है। ठीक है, मतलब समझो कि सपोज इंडिया है, सो इंडिया में आप मंथ का 500 रुपीज़ सेव करते हो, ठीक है, सो आपके पास 3 महीने में 1500 रुपीज़ हो जाता है। ठीक है, सपोज आप ये मनी सेव कर रहे थे किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो कि 2000 रुपीज़ के, सपोज फॉर अ वॉच। ठीक है, एक वॉच के लिए आप खरीद देख रहे थे जो कि 2000 रुपये के, तो आपने 1500 रुपीज़ तक अभी बचा के रख लिए थे, जो आपके आपको सिर्फ 500 रुपीज़ और निकालने थे। बट अचानक से ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंडिया की गवर्नमेंट बहुत सारा नोट छापना शुरू कर देती है, इतना नोट छापना शुरू कर देती है कि कोई कमी नहीं है, नोट ही नोट हर जगह। तो ऑफकोर्स उस वॉच की कीमत उस टाइम 2000 से वो 2 करोड़ तक पहुंच सकती है, राइट? अब आपके वो 1500 रुपये किस काम के, है ना? आपकी वो सेविंग बर्बाद हो गई। वही मिडिल क्लास फैमिली के साथ हो रहा था उस टाइम पे। इमेजिन करो कितना बुरा लग रहा होगा उन लोगों को। जब स्मॉल बिजनेसमैन थे और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, उनको तो काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा था क्योंकि उनके बिजनेस बर्बाद हो चुके थे, और इतना डर था लोगों को कि अब उनकी वर्किंग क्लास खरा ख़त्म हो जाएगी। जो सिर्फ ऑर्गेनाइज वर्कर्स थे उनकी हालत थोड़ी सी अच्छी थी, बट उनके बार्गेनिंग पावर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका था। तो सारे बड़े बड़े बिजनेस भी क्राइसिस पे थे। ठीक है, वुमेन्स के साथ साथ जो पीजेंस थे वो भी काफ़ी इस चीज़ से दिक्कत में आ चुके थे। पॉलिटिकली भी अभी जो वीमर रिपब्लिक है वो काफ़ी कमज़ोर थी, इतना कुछ खास कर नहीं रही थी। इतने डिफेक्ट्स थे वीमर के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो काफ़ी अनस्टेबल था और डिक्टेटरशिप के साथ देता था, काइंड ऑफ, मतलब इतना खिलाफ नहीं जाता था उसके। जब ये सब कुछ हो रहा था तो होता क्या था कि बहुत सारी पार्टीज थी, तो उधर पे एक पार्टी को अचीव करने के लिए वो कोलिएशन करना शुरू कर दिया था, मतलब वो मिलकर एक पार्टी बनानी उन्होंने शुरू कर दी थी। और एक और जो सबसे बड़ा डिफेक्ट था, आर्टिकल 48, जिसमें प्रेसिडेंट को पावर थी कि वो कभी भी इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है और सारे सिविल राइट और डिक्री के रूल्स बना सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट लाइन में जो वीपर रिपब्लिक है उन्होंने मतलब 239 डेज में 20 डिफरेंट कैबिनेट्स बिठा दी थी। ठीक है, जो क्राइसिस थी उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, और लोगों का जो है वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ही भरोसा छूट गया था ये जो भी सिस्टम आ रहा था। फिर राइज होता है हिटलर का। हिटलर कैसे है? हिटलर का बोर्न हुआ था ऑस्ट्रिया में 1889 में, और उन्होंने अपनी पूरी यूथ, बेसिकली अपना काफ़ी बचपन जो है वो गरीबी में गुजारा। सो सैड ऑफ हिम। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने लगी तो उन्होंने तो वो आर्मी में उन्होंने एनरोल किया, उसके बाद वो मैसेंजर बन गए, फिर वो कॉरपोरल बन गए, और उन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स भी जीते, काफ़ी सारे मेडल्स जीते अपने ब्रेवरी के लिए। सो ही वॉज लाइक ब्रेव पर्सन। बट जब जर्मनी हार गई, जर्मनी ने डिफीट फेस करा, तो ऑफकोर्स जो हमारे हिटलर जी थे, हिटलर जी की सिचुएशन भी कुछ इसी तरीके से थी। उन्हें बुरा लगा, ऑफकोर्स उन्हें बुरा लगा, उनको गुस्सा भी आया। बट जब वर्सलीज की ट्रीटी आई तब तो उनको ऐसा हो गया कि अब तो मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे, तब तो उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। सो 1919 में उन्होंने एक जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया, बाद में वो टुक ओवर के लिए, यानी कि वो उसके लीडर बन गए, और उन्होंने उसका नाम बदल के नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया, और जो कि बाद में नाजी पार्टी कहला रही थी। ठीक है, सो 1923 में हिटलर ने सोचा कि वो बवारिया जैसी और बर्लिन में जाके वो जो है मतलब पावर अपनी कैप्चर करेगा, बट वो फेल हो गया और अरेस्ट हो गया। कुछ टाइम तक उन्हें रखा गया बट बाद में वो रिलीज भी हो गया। ठीक है, जो नाजी थे वो इफेक्टिवली मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे जो भी पॉपुलर सपोर्ट जगाया है, बिकॉज उनके पास सपोर्ट ही नहीं था बेचारे, क्या करें। अभी मतलब 1930s तक उनके पास सपोर्ट नहीं था, अभी वो नए नए आए थे, देवर इन्फेंट्स, अभी काफ़ी नए थे वो। उनको सपोर्ट नहीं था बेचारों को, ठीक है, क्या कर सकते हैं। 1929 में जब बैंक कोलैप्स हो गए, बिजनेस बंद हो गए, ऐसी सिचुएशन में अब जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर गए। ऐसी सिचुएशन में नाजी का जो प्रोपेगेंडा था वो लगा कि हाँ यार, फ्यूचर का हमें तारा चमकता हुआ नज़र आ रहा है यार,
इनको सपोर्ट दो। सो सपोर्ट करा। 1929 में नाजी की पार्टी को 2.6% वोट्स ही मिले थे रिस्टैग में, बट 1932 में यानी कि 4 सालों में सिर्फ उनको मिल गए थे 37% वोट्स, जो कि सबसे ज़्यादा था। ठीक है, सो प्रोपेगेंडा क्या होता है अगर आपको नहीं पता है? सो प्रोपेगेंडा इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज, जो कि वो मतलब एक बेसिक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज होता है कि हाँ ये हमारा मैसेज है और इसके लिए हम काम करने वाले हैं और यही हम मतलब यही वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड प्रोपेगेंडा। सो जिन लोगों को नहीं पता, हिटलर वॉज अ वेरी पावरफुल स्पीकर और वो जो वर्ड्स यूज़ करता था, जो उनका बोलने का तरीका था, वो काफ़ी लोगों को मतलब इन्फ्लुएंस कर देता था बहुत ईजीली। सो उन्होंने वादे किए कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, जो भी ये वर्सलिस की ट्रीटी है वो इसको ख़त्म करेंगे और जर्मन जो भी जर्मन पीपल है उनकी जो बेइज्जती हुई है उनकी डिग्निटी को वो वापस लेकर आएंगे। और उन्होंने बोला कि वो एम्प्लॉयमेंट भी लेकर आएंगे और यूथ का फ्यूचर सिक्योर करेंगे। उन्होंने प्रॉमिस करा कि सारे फॉरेन इन्फ्लुएंस को वो रेजिस्ट करेंगे और जो भी ये फॉरेन कॉन्स्पिरेंसी हो रही है जर्मनी के अगेंस्ट उसको ये ख़त्म करके ही रहेंगे। सो नाजी जो है काफ़ी बड़ी बड़ी रैलीज दिखाते थे, करवाते थे उस टाइम पे, ताकि वो दिखा सके कि कितने लोग हिटलर को फॉलो करते हैं। ठीक है, सो और हिटलर ने अलग अलग चीज़ें बनानी, मतलब अलग अलग अपने वो बनाने शुरू कर दिए, वो इन द सेंस अपने आइडेंटिफिकेशंस बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि एक रेड बैनर जिसमें स्वस्तिक बना होता था, समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे था एक रेड बैनर, मैं आपको दिखा देती हूँ। सही है, रेड बैनर विद स्वस्तिक ऑन इट। ठीक है, सेम लाइक दैट। एंड उन्होंने अपना नाजी सल्यूट बनाया और अलग अलग तरीके मतलब रिचुअलाइज्ड अप्लाउज का साउंड बनाया अपनी स्पीचेस के बाद, मतलब अपनी पावर को शो ऑफ कर रहे थे वो ऑफकोर्स। सो नाजी का जो प्रोपेगेंडा था उसके अकॉर्डिंग हिटलर को मसीहा वो समझने लगे थे लोग, कि अब जो करेगा वो तो हिटलर ही करेगा, हे भगवान भेज दिया आपने हिटलर को, हिटलर ही अब हमारी नहीं पार करवाएगा। ये सारी चीज़ें जो है लोगों के टाइम में लोगों के दिमाग में आने लगी थी। अब डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ? 30 जनवरी 1933 में जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, उन्होंने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर करी। ठीक है, जो कि सबसे हाई पोजीशन होती है मिनिस्टर्स की कैबिनेट में, और हिटलर ने बोला व्हाई नॉट, पावर ही तो चाहिए और पावर मिल रही है। सो अभी तक जो है नाजीज रैली करने के लिए मतलब काफ़ी मैनेजमेंट उनको करनी पड़ रही थी, बट अब जब इतनी पावर हिटलर के पास आ गई तो उन्होंने पूरा जो ये डेमोक्रेटिक रूल था इसको डिसमेंटल कर दिया। और जर्मन पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी उधर काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से आग लग गई फरवरी में। ठीक है, और फायर डिक्री अनाउंस कर दी गई फरवरी 1933 में। ठीक है, सो इसमें जो है जो भी सिविक राइट्स है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली, ये सारे उनसे छीन लिए गए। ठीक है, और इसके बदले में उन्होंने जो भी उनके एनिमीज थे जो कम्युनिस्ट थे, ठीक है, उनको मतलब नए जो उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे उधर वो उनको भेजना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, 3 मार्च 1993 में एक काफ़ी फेमस अनेबलिंग एक्ट पास किया गया जिसकी वजह से जर्मनी में डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हो गई और वो डिक्टेटर कौन था? ऑफ कोर्स हिटलर। सो सारी पावर हिटलर के पास आ गई, जो भी पार्लियामेंट्स है या डिक्री का रूल है सब कुछ का पावर जो है वो हिटलर के पास आ चुका था। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज थे और जो भी ट्रेड यूनियंस थे इनको बैन कर दिया गया सिवाय नाजी पार्टी के, और स्टेट एस्टेब्लिश कर दिया गया ताकि वो कंपनी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी पे ज़्यादा कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सके। सो स्पेशल सर्विलेंस बनाई गई और नई सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई गई, ठीक है, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए उस तरीके से जिस तरीके से नाजी चाहते थे। सो इसमें रेगुलर पुलिस के अलावा एसए यानी कि स्टॉर्म ट्रूपर्स और गेस्टापो यानी कि सीक्रेट स्टेट पुलिस, द एसएस यानी कि द प्रोटेक्टिंग स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस जैसे लोग भी थे जो कि मतलब सिर्फ क्या करते थे, नज़र रखते थे लोगों के ऊपर। और लोगों को अब गैस पर टॉर्चर चैम्बर के बारे में पता चल रहा था, पता नहीं चल रहा था, मतलब नाजी उनको वहाँ पे भेज दे रहे थे कि जाओ उधर जाओ। फिर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स और ये सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ रही थी, और वो उन्होंने किसी भी फालतू में ऐसे मतलब जेल कर देता था बिना किसी लीगल प्रोसीजर के, उनको मार देता था और उनको ऐसे चैम्बर्स वगैरह में भेज दिया करता था बिना किसी चीज़ के, मतलब
ऐसा था हिटलर। अब आता है रिकंस्ट्रक्शन। सो हिटलर ने असाइन करा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इकोनॉमी को रिकवरी करनी है, तो उन्होंने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी हजलमर सैशत को। सो जिन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने एम रखी पूरी कि वो फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट में ध्यान देंगे ताकि वो ज़्यादा वर्क क्रिएट कर सके और ज़्यादा पैसा कम क्रिएट कर सके। ठीक है, और इसी के दौरान जो है जर्मन सुपर हाईवेज और लोगों की कार यानी कि फॉक्स वैगन उस टाइम पे बनना शुरू हो गए थे। सो हियर वी हैव अ पोस्टर ऑफ फॉक्स वैगन जिसमें अनाउंस करती थी कि और फॉक्स वैगन, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी मदद से हिटलर को काफ़ी जल्दी सक्सेस मिल गई। ठीक है, वो लीग ऑफ नेशन उन्होंने छोड़ दिया 1933 में, और जो रिनलैंड था जो कि मतलब ऑक्यूपाई कर लिया था दूसरी कंट्रीज ने, उन्होंने उनको फिर से रीऑक्यूपाई करा इन 1936। और फिर उन्होंने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को भी इंटीग्रेट कर दिया 1933 में एक स्लोगन के साथ, यानी कि वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। ठीक है, सो बाद में उन्होंने मतलब वेस्ट जर्मन में वो सिडेंटल लैंड को उन्होंने अपने अंदर कर लिया, और साथ साथ में जो है पूरा जेकोस्लोवाकिया उसको भी अपने अंडर कर लिया, मतलब पूरे अंडर कंट्री को। सो उनको एक काफ़ी अनस्पोकन सपोर्ट था इंग्लैंड का, मतलब इंग्लैंड कुछ बोल नहीं रहा था, जो कर रहा था करने दे रहा था, बिकॉज उन्हें भी लग रहा था कि जो वर्सलीस की जो ट्रीटी है वो काफ़ी हार्श है और ये ठीक है चलो। बट हिटलर यहाँ पर नहीं रुका, जो सेश थे यानी कि जिनको उन्होंने सारा काम किया था, सो उन्होंने बोला कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ना ये सही नहीं हो, बिकॉज अभी भी जो तुम इन चीज़ों पे रीआर्ममेंट पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तुम्हें नहीं करना चाहिए, बिकॉज अभी भी हमारी कंट्री डेफिसिट फिनांसिंग में ही चल रही है। डेफिसिट फिनांसिंग मतलब दूसरों से लेन लेके ही चल रही है। सो बट नाजी जर्मनी में ऐसे कोशिश लोगों का कोई भी रोल नहीं था, और उनको भी जो है नाजी जर्मनी छोड़ के जाना पड़ा। सो हिटलर ने बोला अपन तो करेगा लड़ाई। उन्होंने एक ही रास्ता निकाला, डैट वॉज ऑफ वॉर। लड़ाई की गई और काफ़ी रिसोर्सेस जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो अब हिटलर को लग रहा था अगर फिर से वो लानी है वापस तो हमें सिर्फ लड़ाई करनी पड़ेगी। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड में इन्वेड करा, और उन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड के साथ लड़ाई शुरू कर दी। सितंबर में एक ट्रीपार्टिट एक्ट साइन हो गया जर्मनी इटली और जापान के बीच में। सो अब हिटलर के पावर तो मतलब साथ में सामने पहुंची, बिकॉज अब जर्मनी के साथ इटली और जापान भी था। ठीक है, सो अब नाजी जर्मनी जो है वो यूरोप के काफ़ी पार्ट्स में फैल रहा था। 1940s के एंड में हिटलर की पावर जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। हिटलर का अब जो लॉन्ग टर्म एम था यानी कि पूरे ईस्टर्न यूरोप को अपने अंडर करना, वो अचीव करने के लिए चल पड़ा। उन्होंने इंश्योर करा कि फूड सप्लाई आ रही है और जर्मन्स के लिए लिविंग स्पेस भी हो। उन्होंने सोवियत यूनियन में अटैक करा जून 1941 में, जो कि उनकी काफ़ी बड़ी गलती थी, बिकॉज अब वो जो वेस्टर्न साइड है जर्मनी का उधर वो एरियल बॉम्बिंग फेस कर रहे थे, और ईस्टर्न साइड में वो पावरफुल सोवियत आर्मीज को मतलब फील कर रहे थे। सो अब जो सोवियत रेड आर्मी है उनको क्रश कर दिया गया, उन्हें काफ़ी ह्यूमिलेट कर रहे थे अभी भी स्टालिनग्राद जैसी जगहों पे। ठीक है, सो बर्लिन में ऐसी जो सोवियत वो है मतलब वो हाफ ऑफ द सेंचुरी में, मतलब अब तो काफ़ी लोगों को विश्वास उठ गया था मतलब हाफ ऑफ द सेंचुरी में यूरोप की। सो मीनवाइल यूएसए ने रेसिस्ट करा कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं आएगा, बिकॉज जैसे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, वो फिर से ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस को नहीं फेस करना चाह रहा था। सो जापान ने अब धीरे धीरे ईस्ट को भी एक्सपेंड ईस्ट में अपना पावर एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, और उन्होंने इंडो चाइना जो मतलब फ्रांस इंडो चाइना था उससे अपने अंडर कर लिया, और अब वो यूएस के जो नेवल बेसिस है उधर अटैक करने का प्लान कर ही रहे थे। ठीक है, बट और जापान को हिटलर का सपोर्ट आया, और उन्होंने यूएस के जो बेस है एट पर्ल हार्बर उधर उन्होंने बॉम्बिंग करी। बट अब यूएसए को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है कदम रखना पड़ा, और मई 1945 में जैसे यूएसए आया वैसे ही हिटलर हार गया। ठीक है, बट उसके साथ जो है जापान को हिरोशिमा और नागासाकी में दो एटम बॉम्ब के साथ उनकी जो है वो हार हुई। ठीक है,
सो अब फिर से आते हैं वो स्टोरी में, हेलमेट और उसके फादर की स्टोरी। सो ये सब कुछ हुआ, ठीक है। तो अभी स्टोरी जो नाजी क्रिमिनलिटी की तरफ है, तो इतना तो हमें पता चल गया कि हेलमेट के फादर इसलिए डर रहे थे बिकॉज अब उनके पास फिर से वही सारी चीज़ें होने वाली थी। द नाजी वर्ल्ड व्यू, नाजी की वो नाजी का वर्ल्ड व्यू क्या था, नाजी की मतलब उनका जो व्यू था, उनका नज़रिया क्या था। सो नाजी का आइडियोलॉजी यानी कि हिटलर का जो वर्ल्ड व्यू था वो ये था कि सारे लोग इक्वल नहीं हैं और वो काफ़ी सारी रेशियल हायरार्की पे बिलीव करता था। उसका ये मानना था कि जो लोगों की नीली आंखें और ब्लॉन्ड हेयर है, ब्लॉन्ड इज लाइक जिनके बिल्कुल ही लाइट ब्लॉन्ड, आपने देखा होगा जो कि बिल्कुल ही लाइट ब्राउन या फिर बिल्कुल ही ज़्यादा जो होते हैं बिल्कुल पेल वाइट जैसे जो कलर होते हैं डैट इज़ ब्लॉन्ड, ठीक है। सो ऐसे जो बाल है और जो जिन लोगों के ब्लू आई है वो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, और जो ज्यूज है वो सबसे लो रेस के सबसे लोएस्ट है ज्यू, ठीक है। उसके बीच में जो भी है वो उनके कलर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट है। सो ये हिटलर का जो रेसिज्म था ये आगे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे लोगों ने और ज़्यादा इसको मतलब बोल सकते हैं आपकी एनरिच करा, बिकॉज डार्विन जो थे वो एक नेचुरल साइंटिस्ट थे और वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि प्लांट्स और एनिमल की जो क्रिएशन है वो इवेल्यूएशन और नेचुरल सेलेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट से बनी है, ठीक है। और हर्बर्ट स्पेंसर वो इसी आइडिया को और ज़्यादा फिट करने की ये कोशिश करते हैं कि जो लोग अर्थ की मतलब अर्थ के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट नहीं कर सकते वो नहीं जी सकते हैं ना, जैसा अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वही लोग जी सकते हैं, ठीक है, जो खुद को अडाप्ट कर सकते हैं। सो बट वो ह्यूमन इंटरवेंशन को उन्होंने कभी एडवोकेट नहीं किया, वो प्योरली जो सिलेक्शन का जो नेचुरल प्रोसेस है उसी के बारे में वो हमेशा सोच रहे थे। बट नाजी लोग और जो हिटलर जैसे लोग थे उन्होंने इसको रेशियल कॉन्टेस्ट में लेने का कोशिश किया और लिया भी। जो नाजी का आर्ग्यूमेंट था वो बहुत ही सिंपल था कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है वही सर्वाइव करेगा और एंड द वीक वंस विल पेरिश। सो जो आर्यन रेस था वो सबसे अच्छा रेस था, सबसे प्योर थे और सबसे स्ट्रॉन्गर वो बनते और वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करेंगे, ऐसा उसका मानना था। उसके अलावा हिटलर की जो आइडियोलॉजी है वो जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट यानी कि जैसे कि लेवेंस्ट्रॉम और लिविंग स्पेस ऐसी जगह वो ऐसी जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे हिटलर की आइडियोलॉजी बेस्ड थी, ठीक है। वो वो यही चाह रहा था कि जर्मन का जो जर्मन नेशन जो है उसका पावर और ज़्यादा बढ़े और जो मटेरियल रिसोर्सेज है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। हिटलर ने अब जर्मनी की बाउंड्री को एक्सटेंड करने के लिए ईस्टवर्ड पे उन्होंने कंसंट्रेट करे सारे जर्मन जियोग्राफिकली और पोलैंड जो है उस टाइम पे एक लेबोरेटरी बन गई थी इस एक्सपेरिमेंट के लिए। रेशियल स्टेट को एस्टेब्लिश करना, एक बार पावर आ गई तो नाजी जो करना चाह रही थी वो काफ़ी जल्दी जल्दी उन्होंने करना शुरू कर दिया, ठीक है। कौन प्योर जर्मन है और कौन इनडिज़ायरेबल है, ठीक है, ये सब कुछ सेटअप होना शुरू हो गया। नाजी चाहते थे सिर्फ प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, और क्योंकि ये डिज़ायरेबल थे, उसके अलावा और कोई डिज़ायरेबल था ही नहीं। चाहे वो अगर कोई हैंडीकैप्ड है यानी किसी तरीके से डिसेबल्ड है तो वो भी अनडिज़ायरेबल है, अगर कोई जीव है वो देखने में अच्छा नहीं है तो वो भी अनडिज़ायरेबल है, ठीक है। इसका मतलब था कि जर्मनी अब जो ये चाह रही थी, जर्मनी का मानना ये हो गया था कि जो भी इम्प्योर है और जो भी एबनॉर्मल है उनको जीने का हक ही नहीं है अंडर इथवानसिया प्रोग्राम। सो जो हेलमेट के फादर थे वो भी उन्हीं में से एक थे जो कि इस आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे, ठीक है, कि जो लोग मेंटली और फिजिकली अनफिट है उनको जिंदा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बेसिकली इन लोगों का ये मानना था। सो सिर्फ जीव ही नहीं थे जो अनडिज़ायरेबल थे, उसके अलावा जिप्सीज और भी जो भी ब्लैक्स थे जो कि नाजी जर्मनी में रहा करते थे उनको रेशियल इन्फेरियर्स की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है, और ऐसा ट्रीट किया जाता था कि वो बायोलॉजिकली प्योर भी हैं, मतलब अगर उनको अगर जो सुपीरियर आर्यंस है उनको अगर हमें प्योर रखना है तो इन लोगों को हमें हटाना होगा, ठीक है। जब जर्मनी ने पोलैंड को ऑक्यूपाई करा तब रशिया का भी और रशिया का थोड़ा थोड़ा पार्ट जब उन्होंने ऑक्यूपाई करा तब जो भी सिविलाइजेशंस थी जो भी लोग उनके साथ आए मतलब उस एरिया पे तो उन्होंने उनको
स्लेव लेबर बनाना शुरू कर दिया, और उस टाइम पे काफ़ी लोग इसलिए मर गए बिकॉज उनको खाना नहीं मिलता था और उनको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कराया जाता था। सो ज्यूस को याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने सफ़र करा है नाजी जर्मनी में। नाजी को ज्यू बिल्कुल भी नहीं पसंद थे बिकॉज ये काफ़ी ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी थी कि ज्यूस ने ही क्रिस्ट को मारा है, जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने ही उनको मारा है, और वो जिनको भी लोन दिया करते थे वो काफ़ी हाई रेट के साथ उनको वापस मांगते थे, इसलिए उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ठीक है, उस टाइम पे जी उसको भी लैंड नहीं हो कर सकता था, इसलिए वो ट्रेड और मनी लैंडिंग पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे। सो हाउएवर हिटलर को जी पसंद नहीं थे बिकॉज ऑफ हिज स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस। उसका तो मेन पीछे यही था कि रेस उसको, अगर कोई लोग ऐसे भी बोलते थे कि अगर जियो क्रिश्चियनिटी को ले लेता है, सब अपना लेता है तो क्या प्रॉब्लम, नहीं, वो बोलता था कि अगर एक सोल्यूशन हमें चाहिए वो है टोटल एलिमिनेशन, सभी को हटा दो, द रेशियल यूटोपिया। जो जो नाजीज थे वो अब उनको चल रहा था पता कि ठीक है, मतलब उन्होंने मर्डर्स भी करना शुरू कर दिया था और वो रेशियल आइडल भी बन चुके थे उस टाइम पे। फिर उन्होंने पोलैंड को ऑक्यूपाई करा और उसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जैसा इलाका और पोलैंड को भी जर्मनी ने अपने अंडर कर लिया उस टाइम पे, ठीक है। और जो भी उस टाइम पे ऐसे लोग थे जो कि अनडिजायरेबल थे उनको जनरल गवर्नमेंट का पार्ट बना दिया गया, ठीक है, और ये सारी जो भी अनडिजायरेबल है उनकी डेस्टिनेशन बन गई। सो इधर जो भी पोलिश लोगों की जो भी इंटेलिजेंसिया है उसको यहाँ पे मारा जा रहा था, और काफ़ी लार्ज लोगों में काफ़ी लार्ज रेशो में लोगों को मारा जा रहा था इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली। सो जो आर्यंस थे, जो ऐसे पोलिश बच्चे थे जो कि आर्यंस जैसे लगते थे, उनको फोर्सफुली मदर से छीन लिया जाता था और उनके ट्रीटमेंट किया जाते थे रेस एक्सपोर्ट से। सो अगर वो रेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो वो जर्मन फैमिली में ग्रीव होते थे, और अगर नहीं तो उनको ऑर्फनेज में डाल दिया जाता था और उधर काफ़ी वो जो है मर ही जाया करते थे, ठीक है। सो स्टेप्स टू डेथ स्टेज वन, हमारे पास इधर यू हैव नो राइट टू लिव अमंग एज अ सिटीजन। सो इधर जियो उसको बोल दिया गया था कि तुम सिटीजन नहीं, और उन्हें वर्कआउट करना शुरू कर दिया था। और सेकेंड स्टेज में एक घेटो जो घेटोइजेशन वो शुरू हो गया था, ठीक है। सो इधर जो है उनको अपने घर छोड़ के भागना शुरू कर दिया, घर छुड़वा दिया जा रहा था उनसे, और उन्हें एक बैज, एक टैग दिया जा रहा था जो कि उनकी आइडेंटिटी बन चुकी थी, और उनको ऐसी जगह पे रखा जा रहा था जैसे कि घेटो, जहाँ पे बहुत ही मतलब गंदा वो इलाका होता था और लोगों को उसकी वजह से काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो रही थी, ठीक है। और फिर आता है इनिलेशन कि तुम्हें अब जीने का ही हक नहीं, अब तुम सीधा मर जाओ। यू थी नाजी जर्मनी। सो जो जो हिटलर था ना, वो काफ़ी इंटरेस्ट लेता था कंट्री के यूथ में, क्योंकि ऐसा लगता था उसको कि अगर वो अभी से बच्चे को बचपन से ही नाजी आइडियोलॉजी सिखाएगा तो आगे चल के एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बनेगी उसी बच्चे का, ठीक है। अब इस चीज़ का ध्यान बच्चे के घर पे और बाहर दोनों रखना पड़ेगा, स्कूल में भी और बाहर भी, घर के जब स्कूल के बाहर जाता है, ठीक है। सो स्कूल्स में क्या हुआ अंडर नाजिज़म, सारे स्कूल्स को साफ़ और प्योरीफाई किया गया। साफ़ और प्योरीफाई किया गया इसका मतलब ये नहीं है कि सैनिटाइजेशन वगैरह हुआ, झाड़ू पोछ किया गया, नहीं, यहाँ पर इसका ये मतलब है कि ज्यूस को और जो भी अनरिलायबल लोग हैं उनको अलग कर दिया गया, और जो चिल्ड्रंस हैं उनको मतलब बांट दिया गया जर्मन और ज्यूस में, और ये ना साथ में बैठ सकते थे ना पढ़ सकते थे, और जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड और जो भी अनडिजायरेबल बच्चे थे उनको स्कूल से बाहर फेंक दिया जा रहा था। और 1940s में इतने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को भी गैस चैम्बर में भेज दिया, इतना निर्दय कोई कैसे हो सकता है, इतने छोटे छोटे बच्चों को गैस चैम्बर में भेज दिया, वो बेचारे घुट घुट के मारे। जो गुड जर्मन बच्चे थे अब वो नाजी स्कूलिंग कर रहे थे, बुक्स वगैरह चेंज हो गई, हर जगह नाजी को ही पढ़ाया जा रहा था, उन्हें यही पढ़ाया जा रहा था कि लॉयल बनो, ज्यू को हेट करो और हिटलर को वर्शिप करो, ठीक है। उनको स्पोर्ट्स में भी वायलेंस और अग्रेशन सिखाया जा रहा था। हिटलर ये मानता था कि अगर बॉक्सिंग करेंगे तो बच्चे आयरन हर्टेड और स्ट्रॉन्ग और मस्कुलिन बनेंगे, ठीक है। सो अब एजुकेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाई गई यूथ की ऑर्गेनाइजेशन में। जो जर्मन यूथ है उनके अंदर स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म जगाएंगे। 10 साल के जो बच्चे होते थे वो जंग वॉक में जाते थे
और 14 ईयर्स तक के तो बच्चे थे, वो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली उनको यही सिखाया जाता था कि लड़ाई करना सीखो और जियो को होइट करो, और मतलब वायलेंस सबसे अच्छा है, डेमोक्रेसी को होइट करो, जिप्सीज वगैरह ये सब कुछ अनडिजायरेबल है, इनको हेट करो और इनको मारो, ये सब सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती है। मतलब हिटलर की बोली हुई जो भी हिटलर के आइडियाज थी, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को सिखाई जाती थी उस टाइम पे, ठीक है। और जब बच्चा 18 साल का हो जाता था, मतलब तो उसको लेबर सर्विस ज्वाइन करवा दिए करते थे, और उसके बाद वो आर्म्स ऑफिस, नाजी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आर्म्स ऑफिस पे काम करता था। सो यहाँ पे देखो, एक जर्मन ब्लडेड इन्फेंट की फोटो है हमारे पास, जो कि एक मतलब जिसको एनेक्स किया गया है बिकॉज वो काफ़ी जर्मन जैसा लगता है। डिजायरेबल बच्चे जो हिटलर चाहता था कि बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पे देखो ब्लॉन्ड हेयर बच्चे और इनकी आँखें भी नीली होगी, फोटो ब्लैक एंड वाइट है। यहाँ पे देखो ज्यूइश बच्चे हैं ये, इनके चेहरों पे डर देखो, कोई इतने नन्हे हैं ये बच्चे, और इनको इनको पता है कि अब ये मरने वाले हैं घुट घुट के, इनके चेहरे देखो, और ऐसे आखिरी टाइम में इतनी छोटी उम्र में ये सारी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ रही थी, और उसके बाद इनकी ज़िंदगी ख़त्म। अब जो हिटलर था, ये मदरहुड के बारे में क्या सोचता था, माँ के बारे में ये क्या सोचता था। यहाँ पर जो बच्चे थे नाजी जर्मनी के, उनको मतलब वुमेंस को बोला जा रहा था कि उनको ये सिखा रहा जा रहा था कि वुमेंस मेन से अलग हैं, और ये जो भी लड़ाई ये करते हैं कि गर्ल्स को भी इक्वल राइट मिले, और ये सब कुछ ख़राब है, ठीक है, उन्होंने बोला। ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही है, अगर क्योंकि अगर वुमेन और मैन इक्वल हो गए तो सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। जहाँ पे लड़कों को सिखाया जा रहा था कि वो एग्रेसिव, मस्कुलिन और स्टील हार्टेड बने, लड़कियों को सिखाया जा रहा था कि वो एक अच्छी माँ बने, बहुत ही प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को वो जन्म दे, और जैसे जैसे बच्चे उन्हें चाहिए वैसे वैसे बच्चे पैदा करे, और जीवों से बिल्कुल ही दूर रहे, घर संभाले, और नाजी पहले अपने बच्चों को सिखाई, ये सारी चीज़ें लड़कियों को सिखाई जा रही थी। 1933 में हिटलर ने बोला कि मेरी इन माई स्टेट मदर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, बट ये मदर्स सारी मदर्स नहीं थी, ये वो ये सिर्फ जर्मनी की जो मदर्स थी जो डिजायरेबल बच्चे पैदा कर रही थी। जो औरतें अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस को पैदा कर रही थी उनको पनिश किया जा रहा था, और जो डिजायरेबल बच्चे पैदा करे जा रहे थे उनको अवार्ड दिया जाता था, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, और उनको कंसेशन दिए जाते थे शॉप्स और थिएटर टिकट्स, रेलवे फेयर्स, हर चीज़ में, ठीक है। वुमेंस को फोर्स किया जाता था कि वो सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करे, और जो जो औरत 4 बच्चों को पैदा कर दी जाती थी उनको ब्राउन क्रॉस दिया जाता था, एक बोल सकते हो आप एक अवार्ड है, और जो औरत 6 बच्चों को पैदा कर लेती थी उसको सिल्वर, और जो 8 या उससे ज़्यादा उसको गोल्ड, ठीक है। जो आर्यन वुमेन थी जो कि इस कोड को फॉलो नहीं करती थी उनको बहुत ही पनिश किया जाता था, ठीक है, उनके उनको उनके मतलब उनको टकले करते, उनको बाल कट सारे उनके काट दिए जाते थे, और उनका मुंह में काली पोत के उनके एक प्लाक आर्ट उनके नेक में लटका दिया जाता था, जिसमें लिखा होता था कि मैंने अपने देश के ऑनर को ख़त्म करा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, जो नाजी रिजीम है वो मीडिया का बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प यूज़ करती थी, उन्हें पता था कि मीडिया को कैसे हेल्प करना, कैसे यूज़ करना है। सो उन्होंने कभी भी किलिंग या मर्डर जैसे वर्ड्स यूज़ नहीं करे अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में, वो कुछ स्पेशल वर्ड यूज़ करते थे, जैसे कि स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, और यूथानसिया, सलेक्शन, डिसइंफेक्शन और इवैक्यूएशन, ऐसे वर्ड्स ये लोग यूज़ करते थे। और जो ये चैम्बर्स है ना, गैस चैम्बर्स, इनको भी ये गैस चैम्बर्स नहीं बोलते थे, इनको ये डिसइंफेक्शन एरियाज बोला जाता था, जो कि दिखता भी बाथरूम जैसा था, जिसमें एक फेक शावर हेड भी, कैसे शावर हेड बनाया ये मैंने, सॉरी, बाथरूम जैसा होता था जहाँ पे फेक शावर हेड होता था, पानी फेक होता था बट उससे पानी नहीं आता था। सो मीडिया को बहुत ही केयरफुली यूज़ किया गया ताकि उनका सपोर्ट वर्ल्ड वाइड जीता जा सके। फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैची कैची और इंटरेस्टिंग तरीके से जो है लोगों को नाजी, ये जो नाजी जर्मनी है इसको फॉलो किया जाता था, और इनको बहुत ही बुरा दिखाया जाता था कि जो भी ज्यूज है ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं। वैसे एक मूवी भी है टोनल ज्यू, जिसमें बहुत ही स्टीरियोटाइप है कि ज्यू ऐसे होते थे वैसे होते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है।
और इनका अपीरियंस जो है बहुत ही गंदा इन्होंने दिखाया, और बोला गया कि ये बीमारी है, ये पेस्ट है, ये लोग चूहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें इनको बोली गई थी। जो नाजीस है उन्होंने इक्वल एफर्ट्स किए थे ताकि मतलब वो भी पॉपुलेशन का हिस्सा बन सक मतलब पॉपुलेशन को डिवाइड कर सके और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बना सके। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सो काफ़ी लोग जो है वो अभी भी नाजी की नज़रों से देख रहे थे, और काफ़ी लोगों के दिमाग में भी नाजी की लैंग्वेज चल रही थी। ठीक है, सो बेसिकली ज्यू काफ़ी लोग ज्यूज़ को बहुत ही बुरा लोग समझने लग गए थे, और सभी को ये लगने लग गया था कि हाँ ये बुरे ही होते। इवन जो ये जीव होते थे ना, इनको खुद को ऐसे लगने लग जाता था कि यार हम ऐसा पैदा हुए हैं, शायद हमारी गलती ही यही है और हमें मर ही जाना चाहिए, और हम ऐसे पैदा हुए, डेट इज़ आर रॉन्ग। ये सारी सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में आने लग गई थी। ठीक है, इतना पॉलिटिकल रिप्रेशन और डेथ्स उस टाइम पे नाजीज़म में हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, सो जो जर्मन्स थे अब क्या कर सकते थे, अब जो होना था वो होना था, उन्होंने उनको मारना ही था। ठीक है, काफ़ी ऐसे लोग थे जो इस चीज़ के खिलाफ जा रहे थे, मतलब जो जर्मन के लोग थे, जो कि फाइन जर्मन के लोग थे, बट उनको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें सही नहीं है, तो उन्होंने उसके खिलाफ़ भी लड़ाई करी। और पेस्टर निमोलियर जैसे उनके जैसे लोग हैं, बट बाद में उनको मार ही दिया गया और लोग बिल्कुल ही ज़्यादा चुप हो गए थे। ठीक है, सो नाजी जर्मनी की काफ़ी मतलब ज्यूज़ को कैसा लगता होगा कि जब वो नाजी जर्मनी में रहते हैं, तो उनको ऐसे लगने लग गया था कि उनके नाक गलत हैं, उनके बाल काले हैं, उनकी आंखें भी काली हैं और अलग अलग रंगों की है, सिर्फ नीली नहीं है। इसका मतलब है कि वो गलत हैं, वो गलत तरीके से पैदा हुए हैं, और नाजी हमें मार दें ये सही है। ये सारी चीज़ें जो है उनके दिमाग में भरने लग गई थी, अब ऑफकोर्स उनके दिमाग में लगी थी। ठीक है, जैसे ही वॉर एंड हुई, जर्मनी हार गई, सो अब फिर से डर आ गया कि अब क्या होगा। ठीक है, इतनी सारी सफरिंग्स याद आ रही थी कि ज्यूस ने इतना सब कुछ, ज्यूस के साथ इतना सब कुछ हुआ है, तो सभी को लग रहा था कि अब ज्यूस का बदला तो लेना पड़ेगा, इसलिए लोग डर रहे थे। ठीक है, सो यस, और ऐसी ऐसी हिस्ट्री की वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, जो कि अभी भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेमोरीज, पोइट्री, म्यूजियम्स में हमें देखने को मिलती है, और ऐसा पता चलता है ये चीज़ अभी भी है कि इतना सब कुछ इतना बुरा जीव के साथ हुआ, और उनको प्रॉपर जितना उनको मतलब मिलना चाहिए था इतना उनके साथ नहीं हुआ। मतलब जो भी नाजीज थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, बट जितना बुरा उन लोगों ने जीव के साथ किया था वो तो मतलब, सो दिस वॉज अ लाइक ऑफ वार्निंग कि बुरा हो रहा है तो उसके खिलाफ तुम आवाज़ भी उठाओ, साइलेंस को ख़त्म करो। और ऐसे मतलब हिटलर क्या था, ये सब कुछ हमने पढ़ा, नाजी जर्मनी क्या थी, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो यस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड द चैप्टर इज़ वेल। सो थैंक यू वेरी मच।